अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फातिमा जिन्हा वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी एडमिशन 2021 के बारे में। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किस तरह करना है और इसमें जो हमारे पास एडमिशन जो है वो किन किन डिपार्टमेंट्स में जो है ओपन हुए हैं और जो उसका फीस स्ट्रक्चर है वो क्या होगा और इसमें आपको जो स्कॉलरशिप है वो कौन कौन सी मिल रही है और जो एडमिशन के बारे में कंप्लीट डिटेल है उसके बारे में हम बात करेंगे और मतलब किन डिपार्टमेंट्स में जो है इनका जो एडमिशन है वो ओपन हुआ है। ठीक है, तो पहली बात ये हमारे पास जो है ये सेल्फ सपोर्ट प्रोग्राम्स में है जो हमारे पास जो एडमिशन है वो ओपन हुआ है। तो आपने सबसे पहले अपने जो है गूगल पे आपने लिखना है FJWU मतलब फातिमा जिन्हा वुमेन यूनिवर्सिटी जैसे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप सिंपल जो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो है इस तरह की जो ऑफिशियल वेबसाइट का पेज है वो शो होता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पे हमारे पास जो है मेरिट लिस्ट वगैरह है बैचलर प्रोग्राम के सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम के फाल 2021 वो लग चुकी हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो है इनकी जो न्यू एडमिशन हैं वो ओपन हुए हैं जो कि बैच 2021 से 2025 वाला है। ठीक है, और उसकी जो है डिटेल चेक करने के लिए एडमिशन वगैरह देखने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखिए, हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिशन ओपन फॉर बैचलर इवनिंग प्रोग्राम। ठीक है, हमारे पास जो एडमिशन है हमारे पास ये इवनिंग प्रोग्राम के हैं और सेल्फ सपोर्ट प्रोग्राम है। ठीक है, अभी आपने किस तरह चेक करना है तो हम सिंपली इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, एडमिशन ओपन बैचलर इवनिंग प्रोग्राम। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमारे पास की जो डिटेल है वो हमारे पास यहाँ पे सारी की सारी मौजूद है। और यहाँ पे देखें एटलीस्ट सेकंड डिवीजन एक जो यहाँ पे हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें बता रहा है कि आपकी जो है वो FSC इंटरमीडिएट जो भी आपका एजुकेशन है उसकी जो है आपके सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। और यहाँ पे टेस्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनी डिपार्टमेंट मतलब यहाँ पे आपके किसी भी डिपार्टमेंट का जो है वो टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आपने सिंपली बस फर्स्ट डिवीजन के साथ अगर आप पास हैं या सेकंड डिवीजन के साथ आप पास हैं तो आप सिंपली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं और उनके सामने जो क्राइटेरिया है वो मौजूद है मतलब क्या उस रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास है एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ सीट 30 है हमारे पास और ये ओपन टू ऑल विद मतलब सभी के लिए ये ओपन है मतलब जब आपकी सिर्फ इंटरमीडिएट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बिहेवियर साइंस उसमें 30 सीटें हैं, बायोटेक्नोलॉजी उसमें 20 सीटें हैं, प्रीटी मेडिकल इनकी डिमांड है एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इसके पास हमारे 40 सीटें हैं एंड कॉमर्स BCOM जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़ हो गया, कंप्यूटर आर्ट्स हो गया, इकोनॉमिक्स एजुकेशन इंग्लिश। ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस, फाइन आर्ट्स, जेंडर स्टडीज़, इंटरनेशनल रिलेशंस, इस्लामिक स्टडीज़, मैथमेटिक्स साइंस एंड फिजिक्स हो गया और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, उर्दू वगैरह। तमाम तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं इनमें एडमिशन ओपन है और इनका जो क्राइटेरिया मतलब क्या कुछ डिमांड है उनकी, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे फिजिक्स की बात करें तो हमारे पास ये प्री इंजीनियरिंग डिमांड है, हमसे प्री मेडिकल भी चलेगी, ICS विद फिजिक्स, जनरल साइंस ग्रुप विद मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। ठीक है, ये इनकी जो है डिमांड है। इनके पास जो सीट्स हैं वो 30 हैं और यहाँ पे जो है इसके नीचे जो है इसकी जो एडमिशन के इम्पोर्टेंट मतलब बताया हुआ कि आपने इसमें अप्लाई किस तरह करना है। ठीक है, अप्लाई करने के लिए ये कह रहे हैं कि आप इसके जो प्रॉस्पेक्टस वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अलावा जो है आपको इनके बैंक का चलान है और जो 1000 रुपये का चलान है उसके साथ 100 रुपये जो एडिशनल फ़ी है वो आपको जो है फर्स्ट वुमन बैंक लिमिटेड FWBL इसमें जो है आपको जमा कराना पड़ेगा। ठीक है, इसकी जो रावलपिंडी में ब्रांच किस किस जगह पे हो इन्होंने यहाँ बताया कि रावलपिंडी ALM ब्रांच सदर एंड चांदनी चौक ब्रांच। ठीक है, मरी रोड हो गया, इस्लामाबाद ब्लू एरिया में इनकी एक ब्रांच है। ठीक है, कैंडिडेट जो है वो अदर सिटीज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, वो जो है अपनी जो है बैंक ड्राफ्ट जो है 1300 रुपये का उनको पे करना पड़ेगा मतलब वो सेंड कर सकते हैं। ठीक है, फातिमा जिन्हा वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वन डिपार्टमेंट मतलब कोई भी शख्स कोई भी बंदा इसमें अप्लाई करना चाहे तो वो इसमें सिर्फ एक डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और इसके साथ तो यहाँ पे वो कुछ बातें बता रहा है कि मेरे 200 पे अटैचिंग है मैक्सिमम ऑफ 03 एडिशनल फॉर्म्स मतलब आप एक फॉर्म के ऊपर जो है आप एक ही डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड वंस एडमिटेड ऑन मेरिट ऑफ सेल्फ सपोर्टिंग इवनिंग प्रोग्राम कैंडिडेट विल नॉट हैव द ऑप्शन टू मूव ट्रांसफर रेगुलर प्रोग्राम मतलब अगर आप एक दफ़ा इवनिंग प्रोग्राम में अपने अप्लाई कर लिए तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ओनली वन सेट ऑफ अटैच्ड डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड विद वन मेन फॉर्म ऑफ ऑल एडिशनल फॉर्म सबमिटेड विद इट मतलब आपने सिर्फ एक ही कॉपी भेजनी है जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स है उन सभी की कॉपी। ठीक है, और यहाँ पे सबसे लास्ट में लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म मैक्सिमम 04 वन सेट इंक्लूडिंग वन मेन फॉर्म। ठीक है, ये इसके मतलब ये आप पढ़ सकते हैं और इसके अलावा जो इसकी शेड्यूल वगैरह है ये यहाँ पे लिखा हुआ है और इसकी जो मेरिट लिस्ट होगी वो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि हमारे पास 3rd week of November में आपको शो होगी। जो उनका फॉर्म प्रोसेसिंग फ़ी है उनके पास 100 रुपये है मतलब 100 रुपीज़ बैचलर प्रोग्राम के लिए और इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई हमारे पास वो 16 नवंबर 2021 है। ठीक है, मतलब इसके 16 नवंबर 2021 से पहले पहले आपने इसमें अप्लाई करना है और
इसके बाद अगर आप इसके जो फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं, मतलब आपने इसमें अप्लाई किस तरह करना है, अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पे लिखा हुआ है मेन एडमिशन फॉर्म सेल्फ सपोर्टिंग इवनिंग प्रोग्राम बैचलर 2021-22, ठीक है, आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा लिखा हुआ है एडिशनल फॉर्म बैचलर सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम, ठीक है, तो दोनों आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहले मैंने एक डाउनलोड कर लिया, ये भी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा फॉर्म इस तरह का मौजूद है, इसके ऊपर जो है इनकी हिदायत वगैरह लिखी है, मतलब आपने क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह साथ लगाना है, सारा कुछ यहाँ पे मौजूद है। और ये देखिए हमारे पास ये फॉर्म है फातिमा जिनाब यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, ये मेन एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म है और इसका जो बैचलर सेल्फ सपोर्टिंग इवनिंग प्रोग्राम 2021-22 वाला, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने मतलब जो अभी आपका डाटा है वो आपने यहाँ पे फिल करना है, जैसे यहाँ पे नेम है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ होगी, CNIC, नेशनलिटी, ठीक है, रिलीजन, प्रोविंस, किस सूबे से बिलोंग करते हैं, डोमिसाइल सिटी, होम एड्रेस वगैरह वगैरह, ठीक है, और फिर टेलीफोन नंबर, डिस्ट्रिक्ट वगैरह आपने यहाँ पे लिख देना है, एकेडमिक रिकॉर्ड देना है आपने, मतलब SSC मतलब सेकेंडरी स्कूल, मतलब आपने मैट्रिक कहाँ से की है, फिर FAFSC आपने कहाँ से की है, ठीक है, उसके बारे में आपने लिखना है, कब की, कितने मार्क्स थे, टोटल कितने मार्क्स थे वगैरह वगैरह, ठीक है। अब सेक्शन बी है वो जनरल इन्फॉर्मेशन आपके बारे में, प्रीवियस इंस्टीट्यूट अटेंड, मतलब आपने जो इससे पहले कोई इंस्टीट्यूट अटेंड किया है, अब तो अपने जो आपका जो FSC का स्कूल था, इंटरमीडिएट का स्कूल था, उसके बारे में आपने लिखना है, उसका एड्रेस लिखना है, सेशन डेट लिखनी है, कब से कब तक था, ठीक है, तो सारी जो डाटा है वो आप लिखना है। एंड पे जो यहाँ पे फैमिली इन्फॉर्मेशन है, इसमें आपने अपने फादर या गार्डियन जो भी आपके हैं आपने उनके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी, वो करते हैं कि आपके मम्मी के नाम क्या, उनका आईडी कार्ड क्या, ऑक्यूपेशन क्या वगैरह वगैरह, ठीक है, आप लैंग्वेज कौन कौन से बोल सकते हैं, ठीक है, और ये सारी बातें आप लिखनी है। सेक्शन सी है और सेक्शन सी में इनकी जो ज़रूरी हदायत है वो लिखी हुई है, ये सारे पढ़ने के बाद आपने अपने नीचे अपने साइन करने हैं और यहाँ पर अपने पेरेंट के साइन करवाने हैं, और ये इकरारनामा है, मतलब मैं जो भी बता रहा हूँ सब सही वगैरह वगैरह, यहाँ पर अपने दस्तखत करने हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो बैंक की रसीद जो आपने चलान फॉर्म जमा करवाना है, ठीक है, वो जो रसीद है वो आपने यहाँ पे लिखनी है, और डिपार्टमेंट सप्लाइड फॉर आपको जो मेन फॉर्म है तो आपने एक लिखना है, एडिशनल फॉर्म मतलब आप जितने फॉर्म डाउनलोड करेंगे तो उस हिसाब से जो आप उसका प्रिंट निकलवा के आपने इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप वो कह रहे हैं आपको क्या कुछ चाहिए, यहाँ पे एक तो मैट्रिक सर्टिफिकेट चाहिए आपका, मतलब उसकी कॉपी अपने साथ लगानी है, FAFSC की मार्क पार्ट वन का जो पार्ट वन का रिजल्ट था उसकी कॉपी अपने साथ लगानी है, और जो पार्ट टू का रिजल्ट है उसकी कॉपी साथ लगानी है, और आईडी कार्ड की आपकी कॉपी होनी चाहिए, अदरवाइज बे फॉर्म भी चलेगा, डोमिसाइल की कॉपी होनी चाहिए, और तीन आपकी जो है वन बाई वन की फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, कलेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो भी आपने लास्ट स्कूल या कॉलेज अटेंड किया, ठीक है, टोटल एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी जो डिपॉजिट आपने की है, ठीक है, वो आपने लिखनी है, ठीक है, 1000 रुपये जो उनकी फॉर मेन फॉर्म होगी और 100 रुपये जो है वो एडिशनल फॉर्म की है, ठीक है, मतलब 1000 तो जो मेन फॉर्म जो आपने डाउनलोड की इसकी फ़ी होगी, और जो 100 रुपये अगर आप एडिशनल फॉर्म डाउनलोड करके उसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी फ़ी वो अलग से है, ठीक है। और जो बैचलर सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम 2021-22 की यहाँ पर लिखा हुआ बैंक के रसीद का जो नंबर है वो आप लिखेंगे, डेट लिखेंगे, कैंडिडेट नेम लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ फॉर्म जो आपने सबमिट करवाए हैं ये आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे डिपार्टमेंट अप्लाइड फॉर आपने किस किस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई की ये जो कॉपी है ये आपको मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ पर नीचे जो है वो बैंक की स्टेटमेंट जो स्टैंप लगी हुई, ठीक है। और अभी अगर हम बात करें इसके दूसरे एडिशनल फॉर्म की, एडिशनल फॉर्म मतलब अगर आपने एक ब्रांच में अप्लाई कर लिया भी आप दूसरी में मतलब किसी और डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अपने जो एडिशनल फॉर्म है वो जो है आपको लगना पड़ेगा। देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है एडिशनल एप्लीकेशन फॉर्म एडिशनल, ठीक है, ये आपने थोड़ा नोट कर लेना, ये भी सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम हमारे पास 2021-22 वाला, इसमें डिपार्टमेंट अप्लाइड फॉर यहाँ पर नेम और CNIC वगैरह वगैरह, ठीक है, फादर गार्डियन नेम ये सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ ये आपने यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है, तो उस तरह करके जो है आपने इसमें अप्लाई करना है। और आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आ गई होगी। अगर आपके माइंड में इसके मतलब कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।